हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। और जो भी सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ला रहे हैं, वह आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि फिर भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार आप उस लेसन को फिर से रिवाइज़ करिए और दोबारा समझिए। तो शुरू करते हैं। टू नाउ क्लास 9th स्टूडेंट्स, अपनी अपनी साहित्य सागर की पुस्तक खोलिए और पेज नंबर 14 निकालिए। लेसन का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार, जिसके लेखक यशपाल हैं। उन्होंने इस कहानी में यह बताया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आपकी वर्कबुक भी खोली हुई है, किसी को अगर डाउट हो तो अपनी वर्कबुक भी खोल लीजिए और पेज नंबर 28 निकालिए। तो एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो एक धनी सेठ थे जो जिनका व्यवहार जो था अत्यंत ही विनम्र था और उदार था। वह इतने धर्मपरायण थे, मतलब धार्मिक इतने थे कि कोई भी साधु संत, कोई भी भिखारी यदि उनके दरवाजे पर आ जाता तो वो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देते। वह निराश नहीं लौटता था और वहाँ से अपना पेट भरकर ही जाता था। भंडार का द्वार, मतलब जो उनके भंडार घर में जितना भी था वह सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए, जो भी आए, जो भी उनके आगे हाथ पसारे वह लेकर ही जाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। उस सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और जब वो दान देते थे तो कितना ही धन अपना दीन दुखियों में बांट दिया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। पर सब दिन होत ना एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुख देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। लेकिन जैसे सारे दिन एक समान नहीं होते, सुख के साथ दुख भी होता है, तो अचानक ही सेठ के दिन फिरे और उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनके संगी साथी जितने भी थे, उनके दोस्त वगैरह, सब ने उनसे मुँह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो पति पत्नी दोनों भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फलों का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। उन दिनों एक प्रथा जो थी वो बहुत प्रचलित थी उस समय में, कि जो भी यज्ञ, जो भी व्यक्ति कोई यज्ञ करता था, जो उसका फल उसको मिलता था, उसका क्रय विक्रय हुआ करता था, मतलब उसका खरीदना बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा भी कोई व्यक्ति यज्ञ करता उसके अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था उसको। जब बहुत तंगी हुई, जब सेठ सेठानी बहुत परेशान हो गए, उन आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गए, उनके पास पैसे नहीं रहे, तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। तो जब सेठानी ने, उनकी पत्नी ने उनसे यह कहा कि एक यज्ञ ही बेच डालो, तो पहले तो यह सुनकर सेठ बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनमें, उनके घर में खाने पीने का कुछ सामान नहीं है, अपनी तंगी का सोचकर वह यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे और लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। उनके बारे में यह अफवाह फैली हुई थी संसार में कि उनकी सेठानी, जो उनकी पत्नी है, उनको कोई ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वे पहले से ही तीनों लोगों की बात जान लेती है।
धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपत्ग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ भेजने का विचार किया। विपत्ग्रस्त मतलब विपत्ति में फंसे सेठ ने सोचा कि उन्हीं को एक यज्ञ भेज देता हूँ। दूर की मंजिल थी तो सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई, क्योंकि उनके घर में कोई सामान नहीं था खाने पीने का। पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियाँ बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी, उसने अपने पति को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सुबह सुबह उठकर वो कुंदनपुर की ओर निकल लिए। गर्मी के दिन थे, सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। गर्मी बहुत थी तो उन्होंने यह सोचा कि जितनी जल्दी हो सके, धूप जब तक पड़ती है, मैं जितना रास्ता तय कर लूँ उतना बढ़िया है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेज़ी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 15, कि इतनी तेज़ी आ गई धूप में कि उन्हें चलने में परेशानी होने लगी। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। इतना पसीना आया कि उनका सारा शरीर जो है पसीने से भीग गया और उनको भूख भी लगने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। उन्होंने देखा कि सामने एक लदा फदा वृक्ष था और वहाँ पर कुआं भी था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ। उनकी पत्नी ने उन्हें रास्ते के लिए भोजन दिया था, वो भोजन कर लेता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह सोच वो उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा उन्होंने कुएं से, वहाँ से पोटली से निकाला लोटा और पानी निकाला और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, जैसे ही उन्होंने रोटी का एक निवाला तोड़ा तोड़ने ही वाले थे तो क्या देखा उन्होंने, पास में ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। उनके सामने ही एक कुत्ता पड़ा हुआ छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था, वह इतना कमज़ोर था कि उसका पेट जो है कमर से चिपक गया था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। जब उसने देखा सेठ को खाना खाते हुए तो वह बार बार अपनी गर्दन ऊपर करता, लेकिन कमज़ोर इतना था कि उसकी गर्दन अपने आप ही नीचे लुढ़क जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने सोचा कि लगता है इस बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी इसकी यह स्थिति हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। उन्होंने एक रोटी उठाकर उसके टुकड़े किए और कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। उन्होंने सोचा एक रोटी और दे देता हूँ इसको तो ये अपने आप चल फिर लेगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। दो रोटियाँ खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आस पास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब उसके पास एक ही रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आँखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आँखों में करुण याचना है, मतलब उस कुत्ते की आँखों में अभी भी सेठ से प्रार्थना रूपी भाव है कि यह रोटी भी मुझे ही दे दीजिए, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई। तो इतने पाठ में आपने देखा कि सेठ अपने आप विपत्ति में फंसे होकर भी उस कुत्ते को किस तरह से अपना खाना भी दे रहे हैं। उनकी ऐसी कर्तव्य भावना और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं है। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आप इसको एक बार दोबारा रीड कीजिए, समझिए और इसके अनुसार जो भी प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में कर भेजिए। धन्यवाद।